कमर्शियल लाइन में घुसा दिया, वीआईपी लाइन में। और हमें लग रहा था कोई हम होटल में जा रहे हैं, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, मिस हो गया। अचानक से बोलता इधर ये इधर, हमने बोला कि होटल में डाल दे रहा है, ठीक है। फिर ऐसे आगे फिर दिखा कि अच्छा भाई तो वीआईपी लाइन है एकदम। Hey guys, welcome back to the channel. A very good morning to all of you, and I hope all of you are doing absolutely fine. So guys, this is day 2. So अभी हम लोग सुबह उठ चुके हैं और उठ के सब कुछ नहा धो के सब कुछ रेडी हो गया है। मेरे चैनल से अगर इस वीडियो के थ्रू अगर आप जुड़ रहे हैं तो मैं बता दूं कि हम लोग अभी दिल्ली से निकल गए हैं और ये हमारी रन ऑफ कच्छ की एक सीरीज़ है और ये दूसरा एपिसोड है सीरीज़ का। तो अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा कि हम दिल्ली से कैसे आए, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और पहला एपिसोड पहले देखिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग रेडी हो गए, सब कुछ रेडी हो गया, और सिंस छोटा बेबी है साथ में तो इसलिए काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाता है सब कुछ करने में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। मैं सुबह उठ गया था, नहा धो के रेडी हो गया, सामान भी पैक कर लिया, अभी जस्ट नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से अभी निकलेंगे। तो अराउंड 700 किलोमीटर है यहाँ से भुज, तो भुज का टारगेट है आज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट निकलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आके सामान लेके अभी निकल जाएंगे। होटल का जो नाम है वो है होटल डाटा इन। काफ़ी अच्छा होटल है। तो हमारा टारगेट था कि हम हाईवे के आसपास ले, ताकि सुबह थोड़ा जल्दी हम लोग हाईवे पकड़ के निकल जाए। तो लेकिन हाईवे में हमें अच्छा होटल मिला नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अंदर आके यहाँ पे होटल ले लिया। तो अगर आप अजमेर के होते हुए अगर जाते हो माउंट आबू वगैरह और अजमेर में ठहरना है, तो दिस इज़ ए गुड ऑप्शन यहाँ पे। अगर आके आप सिटी के अंदर है और अराउंड 10 मिनट्स लगता है हाईवे से। हाँ, मेन हाईवे से 10 मिनट के अंदर है। तो यहाँ का जो टैरिफ है रूम का वो है 2450 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस। तो चलिए ठीक है, फटाफट अभी निकलते हैं और बाकी मैं आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ डायरेक्टली गाड़ी में। तो चलिए गाइस, आज का जो जर्नी है बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मैं कभी भुज गया नहीं हूँ, तो मैंने सुना है कि भुज का जो रास्ता है और वो सब काफ़ी सीनिक है। तो चलिए, लेकिन जल्दबाजी में मैं अपना ड्रोन इस बार भूल आया घर पे, तो इसलिए ड्रोन शॉट शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो सके बढ़िया कॉन्टेंट आपको दिखाऊँगा और आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो चलिए गाइस, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो और भुज का रन ऑफ कच्छ का यात्रा शुरू करते हैं। लेट्स गो गाइस। ये जो रास्ता है यार, दिस इज़ ए मक्खन रोड, मतलब जब ना अजमेर से टुवर्ड्स माउंट आबू का जो रोड है बीवार होते हुए, एकदम बटरी स्मूथ रोड है। देखिए अभी 100 तो ऐसे ही स्पीड टूट जा रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं यहाँ पे अचानक से कोई वो सब इंटरसेप्टर उन्टर ना आ जाए, इसलिए कभी डर लगता है। मैं तो कंटिन्यूसली देखता हूँ कि स्पीड लिमिट का कोई बोर्ड है क्या। हाँ, मतलब अपोजिट के गाड़ी आते रहते हैं ना, तो लाइट की इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। और पीछे सामने होटल है, उसमें अगर आप रहोगे एकदम मेन हाईवे से, तो आप जाओ निकलो और चलते रहो, तो उसमें थोड़ा टाइम बच जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पहाड़ों के बीच में जो रास्ता जाता है ऑसम लग रहा है। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अमेजिंग। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और गाड़ी के साथ थोड़ा फ़ोटो खींचते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पे रुकने से। तो लास्ट बार भी जब हम गए थे दीव
व्यू नहीं, हम लोग जब माउंट आबू गए थे तो हम लोग यहीं पे कहीं पे रुक के गाड़ी का थंबनेल लिया था, तो इतने सारे कमेंट आए थे कि वो गाड़ी का जो थंबनेल वाज दैट इज अमेजिंग था। तो इस बार भी हम लोग स्पॉट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे रुक सकते हैं और कहाँ पे रुक के एक प्रॉपर थंबनेल ले। तो ये सब फोटो वगैरह जो हम लोग ले रहे हैं वो आप इंस्टाग्राम में जाके चेक करिए, नीचे आईडी दिख रहा होगा आपको, तो उसमें जाके फिर फोटो वगैरह चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाक से लेते हैं दो तीन इंस्टाग्राम वाला फ़ोटो और थंबनेल ट्राई करते हैं लेने का और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी रास्ते के उधर जाते हैं और एक फ़ोटो लेते हैं दूर से थंबनेल। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। अरे भैया अब यहाँ से अच्छा थंबनेल आएगा फ़ोटो। चलिए लेते हैं फ़ोटो, आप इंस्टाग्राम में जाइए और फोटोज चेक करिए। औसम औसम फ़ोटो ले रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं। यहाँ से लेते हैं फ़ोटो और फिर अपडेट करते हैं। चलिए फ़ोटो लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाय गाइस, तो अभी फाइनली बहुत दिनों बाद और फाइनली मैं आ गया हूँ अभी को ड्राइवर सीट में। और अभी फाइनली जाके अभी जयदा को मैंने दे दिया है स्टीयरिंग का जिम्मेदारी और मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे साइड सीट में। बहुत दिनों बाद थोड़ा ऐश करके बैठा हूँ और अभी थोड़ा फ़ोटो और ये सब ले रहा हूँ, वीडियो वगैरह, और जो भी इंस्टाग्राम में अपडेट करना है वो सब अभी करूँगा बैठ के। कुछ होटल ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, अभी इस रास्ते में बहुत कम ऑप्शन है होटल का कि कहाँ पे आप रुक के होटल पे कौन सा होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए कोई पर्टिकुलर एक होटल ढूंढता हूँ और उस होटल में जाके थोड़ा लंच करना है, इसके बाद फिर मैं गाड़ी चलाऊँगा। चलिए देखते रहिए आप वीडियो को और रास्ते का मज़ा लीजिए, तब तक हम भी थोड़ा होटल ढूंढते हैं और फिर आपसे मिलते हैं आगे। इधर 107 रुपये है ना? 107 रुपये। इतना महंगा क्यों है इधर? टैक्स ज्यादा है? सबसे ज्यादा महंगा इस बार टैक्स सबसे ज्यादा है ना? बस वही प्रॉब्लम है, वही इसीलिए मैं थोड़ा बहुत टॉप अप करके बाकी गुजरात उधर। सो गाइज, यहाँ पे ये सांडेरा बोल के कोई जगह है, तो यहाँ पे हम लोग अभी रुक गए थोड़ा। पेट्रोल ऐसे तो दिखा रहा था 170 किलोमीटर और चल जाएगा और बॉर्डर जो है वो अराउंड 130 किलोमीटर है यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलिए हमने थोड़ा बहुत टॉप अप ले लिया बाई चांस अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ गई, अटक गए तो, इसलिए होना चाहिए। बाकी वो पेट्रोल पंप वाला खुद बोल रहा है कि सर यहाँ से ज़्यादा मत डलवाइए, आगे गुजरात जाके फुल टैंक करवाइएगा, 12 रुपये का डिफरेंस है, तो इसलिए ऑब्वियसली वहीं पर जाके भराएंगे। तो चलिए ये पीछे गाड़ी हमारा और चलिए निकलते हैं, निकल के फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत दूर जाना है अभी भी, 450 किलोमीटर के आसपास क्रॉस करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के फटाफट निकलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं फिर रास्ते में। तो अभी हम यहाँ पे टॉल क्रॉस कर रहे थे, तो टॉल में जब मैं आता हूँ तो भाई नॉर्मली आता हूँ, अब उन्होंने देखा कि कोई लेडीज़ चला रहा है और इस रास्ते में लेडीज़ गाड़ी चला रहा है मतलब रेयर केस है, तो उन्होंने एकदम स्पेशल लाइन में घुसा दिया, VIP लाइन में। और हमें लग रहा था कोई हम होटल में जा रहे हैं, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, मिस हो गया, अचानक से बोलता इधर है, हमने बोला कि होटल में डाल दे रहा है हमें, ठीक है। फिर ऐसे आगे फिर देखा कि अच्छा भाई ये तो VIP लाइन है, एकदम अल्टीमेट लाइन है, ऊपर में कवर किया हुआ है, पेड़ फूल वूल सब कुछ है, पेपर ब्लॉक लगा हुआ है, मस्त एकदम बढ़िया, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो ये मुझे लगा कि भाई ये तो VIP लाइन होगा, कोई नेता मंत्री अगर कोई जाते होंगे तो इधर से पास कराता होगा, और गए फटाक से स्कैन हुआ, हम चल दिए, अच्छा लगा VIP ट्रीटमेंट। तो गाइस यहाँ पे हमें एक मिल गया होटल बाबा रामदेव डाइनिंग हॉल, तो काफ़ी अच्छा रेटिंग है इसका, इसी में रुकते हैं। वाह बड़ी अच्छा होटल लग रहा है, पूरे फैमिली वैमिली सब कुछ है, सिरोही की सुपरहिट होटल बाबा रामदेव। तो चलिए फटाफट यहाँ पे जाते हैं, अच्छा है, बच्चे लोगों का खेलने खुलने का सामान सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, जाते हैं, बहुत भूख लग रहा है यार, फटाफट जाते हैं कुछ खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। अभी भी हमें चलना है बहुत ज़्यादा दूर, 350-450 किलोमीटर चलना है। चलिए लंच, तो ये सेब का सब्जी, दाल और ये दो स्पेशल रोटी है, खोवा का रोटी और एक मोटा रोटी, राजस्थान का बोलते हैं,
और ये है आपका चूरमा का लड्डू और साथ में कुछ सलाद है। और हमने एक वो लिया था, हमने चाय भी लिया है, मसाला पापड़ भी लिया था, और एक लिया था मसाला पापड़, वो ख़त्म हो गया, खा लिया हमने, इतना भूख लगा था। तो ये सेब का सब्जी, दाल, खोवा रोटी, मोटा रोटी और चूरमे का लड्डू सलाद। चलिए इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे फर्स्ट पेट्रोल पंप इन गुजरात। तो चलिए डलवाते हैं पेट्रोल, देखते हैं कितना है लीटर। भैया फुल कर दो, फुल पेट्रोल। हाँ जी। तो भैया इधर है 95.39। कितना रुपए का डिफरेंस है भैया? 12 रुपए ना। साला लुटत राज चल रहा है राजस्थान में। अब मैंने 500 रुपए का, किधर उधर से डलवा रहे हो? एक सेकेंड, नॉर्मल है ना? एक सेकेंड, ठीक है, फुल कर दो एकदम पूरा ऊपर तक। थोड़ा और डाल दो, 3400 का कर दो बस। तो भैया हमने डलवा लिया 3400 रुपए का फुल टैंक, और अभी फिलहाल पहुंच जाना चाहिए रोहतक। तो चलिए चलते हैं और बाकी फिर मिलेंगे जाके। पालनपुर में रुकेंगे थोड़ी देर और फिर पालनपुर से आगे नेक्स्ट भूज तक। आज भूज तक पहुंचना ही है, नहीं तो कल फिर भूज नहीं घूम पाएंगे। चलें, चलते हैं। तो फिर मैं अभी फिर से एक बार गाड़ी का हैंडओवर कर रहा हूँ, जब तक शाम हो जाए तब तक वो चला ले थोड़ा। और सनसेट को कैप्चर कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं थोड़ा सनसेट को कैप्चर करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद आप लोगों से बस ये अपडेट दे रहा हूँ कि अभी हम लोग ना दिशा से टुवर्ड्स भूज की तरफ जा रहे हैं। जो रास्ता है शमा ख्याली बोल के एक जगह है, तो दिशा से लेके आपको शमा ख्याली का जो 250 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो मैंने मुझे बोला था एक मेरे फ्रेंड ने फेसबुक में कि बहुत ही घटिया रास्ता है, पूरे रास्ता में गड्ढा और ये सब। तो मैंने, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, इतना घटिया रास्ता है भाई, इतना घटिया रास्ता है, पूरा 230 किलोमीटर का रास्ता एकदम बर्बाद। और पूरे तो, रास्ते में दो बार ना तीन बार टोल भी दे चुके हैं। हाँ, और पूरा रास्ता आपको पता है फुल रास्ता टोल रोड है। ये देखिए, टोल बोलते आगे टोल आ गया, और रास्ता अगर मैं दिन होता तो आपको उतर के दिखाता, इतना घटिया रास्ता है फिर भी टोल ले रहे। टोल का क्या हो गया बोले भाई? ये वीडियो अगर कोई देख रहा है गुजरात गवर्नमेंट से या फिर NHAI से, तो भाई ये रास्ता ठीक कराओ। टोल ले रहे हो? टोल ले रहे हो किस बात का? फालतू का टोल ले रहे हो आप, एक्सपीरियंस खराब है। तो अभी हमारा जो डिस्टेंस बचा है वो है अराउंड 138 किलोमीटर भूज के लिए, और टाइम दिखा रहा है 2 घंटा 40 मिनट। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग अभी दिशा से बचाव पहुँच गए, और बचाओ से अभी जो रास्ता पूरा है भूज तक, हाँ मतलब ये पूरा 6 लेन है और बहुत ही बढ़िया रोड है। तो यही क्वालिटी उस रोड में भी होना चाहिए था। तो अभी देखिए आगे मेरे, बहुत ही शानदार रोड विथ लाइट्स प्रॉपर। तो अभी मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में उस टाइम। तो गाइस हमने एंटर कर लिया है भूज, और ये भूज का मेन सिटी है। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेंगे तो हम भूज जाएंगे, और सीधा जाएंगे तो हम नारायण सरोवर लखपत उस साइड में चले जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो हमने घर से कवर किया वो है 1241.7 किलोमीटर विद एन एवरेज ऑफ 18.5। आज माइलेज काफ़ी ख़राब हो गया रास्ते के लिए, और आज के दिन में हमने 790 किलोमीटर कवर किया है। तो चलिए फटाफट चलते रूम, 1:45 AM हो गया है, और 11 बजे हम निकले थे सुबह और अभी पहुँचे हैं। तो बीच में काफ़ी सारा ब्रेक था, आपने देखा होगा वीडियो में। तो चलिए अभी फटाक से रूम पे चलते हैं और रूम टूर आपको देते हैं और होटल के बारे में भी बताते हैं।
तो हम लोगों ने अभी चेक इन कर लिया रूम पे। सो होटल का नाम है होटल मंगलम और ये भुज रेलवे स्टेशन के आसपास ही आता है, लेकिन अच्छा होटल है, अच्छा जगह भी अच्छा है। तो फटाक से अभी आपको दे देते रूम टूर और फिर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया होगा वीडियो। दिस इज़ द रूम, तो काफ़ी बड़ा रूम है आपको दिखेगा। यहाँ पे एक लेजर करने के लिए एक सीट दिया हुआ है, एज ए सोफ़ा आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। फिर ये एक बेड है और ये जो रूम है वो काफ़ी बड़ा रूम है, आपको दिख रहा होगा, इट्स ए वेरी ह्यूज रूम। और यहाँ पे टीवी है, बाकी सामान वगैरह रखने का जगह यहाँ पे है। और अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी बैठने का जगह है, आप बैठ के डिनर कर सकते हैं। दिस इज़ ए यूज़फुल प्लेस, यहाँ बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र सब कुछ यहीं पे बैठ के होगा। और यहाँ पे भी देखिए एक ड्रेसिंग एरिया भी है। अगर वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी बड़ा है। बाथिंग के लिए अलग स्पेस है और यहाँ पे भी अलग जगह हुआ है, दिया हुआ है। सो ओवरऑल इट्स ए ह्यूज रूम। तो गाइस ये जो रूम है इसका टेरिफ हमें कितना पड़ा, 6,800 रुपीज़ पड़ा हमें दोनों रूम का मिला के, और इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट पता नहीं शायद डिलक्स या कुछ सुपर डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स रूम है और एसी भी दिया हुआ है, राइट। तो ठीक है गाइज, चलिए इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं, आज बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी हो गया, तो कल हमें और आगे क्वाइट रन और धोलावीरा ये सब को कवर करना है। तो अभी 1:30 बज गया है, ऑलमोस्ट 2 बज गया है, तो चलिए फटाफट अभी सोते हैं। और पता नहीं खाना इनको हमने ऑर्डर दिया था, वो बोल रहे हैं कि गर्म करके लाएंगे, तो लाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, फिर अभी फटाक से सो जाएंगे यार। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, कुछ कमेंट कुछ जानना है वगैरह। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी वीडियो आएंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं कल आपसे एक फ्रेश वीडियो में, जहाँ पे हम वाइट रन और धोलावीरा ये सब कवर करेंगे, कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे वो कल ही आप लोगों से मिलके बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि, शब्बा खैर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो अभी तक अगर देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। चलिए गाइस सी यू, टाटा, सी यू टुमारो।